सो गाइस ये है अपना फैशन स्ट्रीट एंड वो सामने जो लास्ट पे दिखा दैट इज नेवी नगर। सो गाइस सीएसटी स्टेशन का नज़ारा देख लीजिए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉय माय व्लॉग्स। दिस वीडियो इज द कंटिन्यूशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड डिस्टेंस फ्रॉम माय होम टू गेटवे ऑफ इंडिया। सो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। In this video, we will be covering Gateway of India, Fashion Street, Marine Drive and Chowpatty. So without wasting much of time, let's start with the video. So हम लोग होटल ताज के पीछे वाली गली में हैं and ढूंढ रहे हैं कुछ parking area. So guys, bike को होटल ताज के पीछे गली में park करके हम लोग पैदल निकल चले हैं Gateway of India की तरफ। Gateway of India के side में एक छोटा सा market है जिसमें आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर एक वॉशरूम भी है जिसे अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये है फेमस गेटवे ऑफ इंडिया एंड इसी के साइड में है होटल ताज। गेटवे ऑफ इंडिया 20वीं शताब्दी में बनाया हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक स्मारक है जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। गेटवे ऑफ इंडिया अरब सागर के किनारे में स्थित है एंड यहाँ से आपको एलिफेंटा केव्स के लिए बोट या फेरी भी मिल जाती है। बोट से एलिफेंटा जाने और आने का किराया अराउंड ₹280 है और गेटवे से एलिफेंटा की जर्नी अराउंड 1 घंटे की है। यहाँ से होटल ताज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, आप देख ही सकते हैं। धूप है बट काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, हवा आ रही है एंड काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। होटल ताज के सामने इस सेक्शन में ये बाउंड्रीज के पीछे बहुत सारे कबूतर हैं जिन्हें आप दाना खिला सकते हैं एंड उनकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से और काफ़ी टाइम हो गया, 3 बज गया ऑलमोस्ट, हाँ 2:48 हो गया है एंड एलिफेंटा केव्स हम लोग गए नहीं बिकॉज एक तो टाइम ज़्यादा हो गया है, दूसरा उसका रेट भी काफ़ी बढ़ गया, 280 रुपीज़ हो गया है एंड हम लोग सोच रहे थे कि 200 रुपीज़ होगा एंड बोल रहे 6 घंटा लग जाएगा उधर घूमने में पूरा, तो 9 बज जाएगा तो हम लोग जाना नहीं चाहते इसके लिए अभी। गेटवे ऑफ इंडिया में कुछ टाइम बिताने के बाद हम लोग निकल पड़े कोलाबा के कॉजवे मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। यह है कोलाबा कॉजवे मार्केट जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से हार्डली 5 मिनट की डिस्टेंस में है। यह मार्केट स्ट्रीट शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शूज, बैग्स, कपड़े ये सब काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाएंगे। So if you are nearby Colaba or Gateway of India, don't forget to visit this market. So guys, अभी हम लोग गेटवे जा रहे हैं चौपाटी की तरफ, मे बी पहले फैशन स्ट्रीट जाएंगे। तो आगे लेफ्ट साइड में है एल्फिंस्टन कॉलेज। फैशन स्ट्रीट मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट है जहाँ पर आपको कपड़े, शूज़ काफ़ी सस्ते दामों में मिल जाते हैं एंड ये गेटवे ऑफ इंडिया से हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है जो कि आप 10 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। सो गाइस ये है अपना फैशन स्ट्रीट। हम लोग को अभी जाने का मन नहीं कर रहा है तो महिंद्रा जा रहे हैं हम लोग। फैशन स्ट्रीट में हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया बिकॉज हमको कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी, तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े मरीन ड्राइव की तरफ। तो गाइस ये लेफ्ट साइड में है हम लोग का मरीन ड्राइव एंड हम लोग यहाँ पर थोड़ा देर बैठेंगे। तो गाइस थोड़ा सा लो टाइड है यहाँ पर, तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ये रॉक, कभी भी इतना लो टाइड मैंने तो कभी देखा नहीं है।
एंड वो सामने जो लास्ट पे दिख रहा है दैट इज नेवी नगर बिल्डिंग, यहाँ पर हम लोग पहले स्टे करते थे। सो गाइस 5:10 हो गया है एंड ऑलमोस्ट हमने 2 घंटा बैठे हैं यहाँ पर। 3:30 बजे आए थे एंड 5:10 हो गया है, तो 2-2.5 घंटा बैठ गए हम लोग, पता ही नहीं चला टाइम का। और कुछ भी नहीं किया था, फ़ोटो भी नहीं खींची जा रही, खाली बस बैठ के एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। एंड अभी हम निकलेंगे यहाँ से, अराउंड 2 घंटा लग जाएगा अगर पहुँचते अगर ट्रैफिक ना मिला तो। देखते हैं फिर भी 7 बजे तो आई थिंक 7:30 बजे तो पहुँचना चाहिए। बट जेके बोल रहा है कि चौपाटी जाएंगे, बट चौपाटी में तो पार्किंग का जगह है नहीं, देखते हैं वहाँ से तो यू टर्न मार के आते हैं आगे जाके। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से एंड चौपाटी से आगे यू टर्न मार के आएंगे हम लोग। तो गाइस ये है चौपाटी, मरीन लाइन चौपाटी, जाना है हम लोग को बट कहीं पार्किंग नहीं मिल रहा है। भाई पार्किंग मिल जाएगा? मिल गया पार्किंग। कितना है पार्किंग? 40 रुपए एक घंटा तक। बाइक को चौपाटी के ऑपोजिट में जो गली है वहाँ पार्क करके हम लोग बढ़ चले हैं चौपाटी की तरफ। एंड गाइस ये है मरीन लाइन चौपाटी। तो बाइक पे पहली बार आ रहा हूँ मैं चौपाटी में। हम लोग नॉर्मली कार और बाइक हम लोग वहाँ पार्क करते रहते व्हीकल्स में और वहाँ से हम लोग वॉक करके आते थे पूरा, तो वही हमारा नॉर्मल रूटीन रहता था। वहाँ से आके सीधा हम लोग जाते थे ऊपर, दैट इज़ हैंगिंग गार्डन, एंड वहाँ से फिर वॉक करके वापस आते थे नीचे। एंड यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इवनिंग में हम लोग वॉक करके मरीन ड्राइव जाते हैं। मरीन लाइन चौपाटी मुंबई का वन ऑफ द फेमस बीच है एंड ये मरीन ड्राइव के पास में ही है। एंड इवनिंग टाइम में यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए। एंड हम लोग यहाँ बैठे हैं, जेके अपने DSLR का पूरा यूज़ कर रहा है, आज पूरा पैसा वसूल कर देगा, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया उसने DSLR। सो गाइस फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम मरीन लाइन चौपाटी, अभी जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए एंड आप वो वीडियो मिस ना करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस। तो गाइस सामने है CSC स्टेशन एंड लाइटिंग में काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। सो गाइस CSC स्टेशन का नज़ारा देख लीजिए।